डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हुए उसके नोट्स भी तैयार करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस वर्ष, तो आपके 70 मार्क्स के पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि वीडियोज का कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए और हर वीडियोज को कॉपी में नोट करना है, जैसे आप क्लासरूम में जाकर के नोट्स बनाते हैं। तो आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच की गारंटी ले सकता हूं, आपका एकेडमिक का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं उन वीडियोज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि पहले पूरा थ्योरी पार्ट, कोई डिस्क्रिप्शन अगर है तो मैं पूरा बोर्ड पर ही बताता हूं, आपको उसे पूरा नोट कर लेना है और पेपर में आपको वैसे ही लिख के आना है। और कॉम्पिटिटिव अप्रोच साथ में चलती है, जो भी कॉम्पिटिटिव अप्रोच होगी, जब टॉपिक एंड होगा तो लास्ट में कॉम्पिटिटिव अप्रोच दी जाती है, उस कॉम्पिटिटिव अप्रोच को साथ साथ करते जाना, आपका कोई भी नीट और JEE का क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे, वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर JEE एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 12। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी और नीट विद बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट डिले। व्हाट काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज आपको मैं बढ़िया तरीके से फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला सिखाता हूं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें जितनी पेपर के लिए जरूरत है बस आपको उतना करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझ पर विश्वास रखिए और सारे नोट्स को कॉपी में नोट कीजिए। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस तो आपको अपने आप पता लग जाएगा जब आपको मैं फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बताऊंगा। उसके पहले एक लाइन बताता हूं जो आपकी फॉर्मेलिटी के लिए स्पेशल है, वो क्या है। सबसे पहली बात हम बताएं आपको कि फॉर्मेलिटी कब यूज की जाएगी, ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में फॉर्मेलिटी कब यूज की जाती है। तो लिखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द concentration of the solutions, concentration of the solution of ionic compound। ये main है इसकी सबसे important line कि फॉर्मेलिटी केवल कहां यूज की जाएगी, जब हमें किसी आयोनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया और उसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है या कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना है तो हम फॉर्मेलिटी वर्ड का यूज करेंगे। मोलेरिटी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए है तो फॉर्मेलिटी आयोनिक कंपाउंड के लिए है। इतना सा डिफरेंस है। अब इसके डेफिनेशन में डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस है, तो ये आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, फॉर्मेलिटी is
डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन थाउजेंड मिलीलीटर और वन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। मोलेरिटी जैसी ही है। मोलेरिटी में मैंने क्या लिखाया था, मोलेरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन और प्रेजेंट इन वन लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा मोलेरिटी में था। और नॉर्मेलिटी में क्या था, मनोज बोलता था नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन ग्राम फॉर्मूला मास यहाँ पर यूज किया गया है फॉर्मेलिटी के लिए। तो फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर और 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। हर में केवल थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया गया है। बस मोलेलिटी में यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी में, मोलेरिटी में, फॉर्मेलिटी में, तीनों में ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये हुई हमारी सिंपल सी डेफिनेशन किसकी, फॉर्मेलिटी की। अब इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले से पहले एक चीज और लिखा दूं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एफ। इसे एक्सप्रेस काय के द्वारा किया जाता है, कैपिटल एफ के द्वारा। जैसे मोलेरिटी में कैपिटल एम, मोलेलिटी में स्मॉल एम, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, ऐसी फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ। दूसरी चीज एक और इसमें आप तैयार कर सकते हैं, लाइक मोलेरिटी, मैं मोलेरिटी को इसमें साथ में लेके चल रहा हूं, इससे आपको मोलेरिटी से कंपैरिजन मिल जाएगा। लाइक मोलेरिटी फॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये वर्ड भी आपको तैयार करना है। ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर को कम या ज्यादा करेंगे तो मोलेरिटी इफेक्टेबल रहेगी। लेकिन केवल और केवल मोलेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इसको ध्यान रखना है। मैंने हर डेफिनेशन में अलग अलग बताया है, वो भी आप याद कर सकते हैं। तो ये तो हमारा डेफिनेशन का पार्ट हुआ। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो न्यूमेरिकल तो फॉर्मूले से ही निकलने वाले हैं, और अगर पेपर में 12th क्लास में आता है तो आपको इसी तरीके से आपको नोट्स बना के लिखना है। आपको 100% में एक वर्ड भी चेंज मत करिएगा, क्योंकि ये मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब आता है फॉर्मूला नेक्स्ट। क्या होगा फॉर्मूला, देखिए, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट और मास, आप जो अच्छा लगे लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट और मास अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दो नीचे, इसलिए मैं ये लाइन खींच रहा हूं। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और 1000 मिलीलीटर, आप जो लिखना चाहें, या तो 1000 मिलीलीटर लिखें या 1 लीटर और ओनली लीटर लिखें, एक ही बात है। ये हमारा मेन फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, लेकिन हमें नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट कैसे निकालेंगे, इसलिए पहले मैं नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट को निकाल करके और इस फॉर्मूले को दोबारा रिवाइज करके बताता हूँ, तो आपको फिर ये फार्मूला डेफिनेशन का हो जाएगा, वो फार्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हो जाएगा। बस नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट की वैल्यू मुझे रखना है, जो कि क्या होती है देख लीजिएगा, ये होती है फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहां पर लेना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास और वेट, मास और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन, यहां पर आएगा फॉर्मूला मास ना कि मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, यहां घबराने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला मास मॉलिकुलर मास की ही तरह होता है, बस वो मॉलिक्यूल्स के लिए रहता है और ये आयोनिक कंपाउंड के लिए रहता है, वरना कोई अंतर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने में, कोई डिफरेंस इसमें नजर आपको नहीं आएगा। तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहां पर कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मैंने पहले ही बताया लीटर में लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां पर लिखते हो इन मिलीलीटर तो आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया फॉर्मेलिटी का, मास और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है हमारा फॉर्मेलिटी। लगभग आपको दिख रही होगी फॉर्मेलिटी और मोलेरिटी लगभग लगभग एक सी ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या अंतर है। तो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड की बात आती है तो फॉर्मेलिटी वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि आयंस जो हैं बड़े आसानी से डिवाइड हो जाते हैं, तो इनका एक्यूरेटली अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला मास लिखते हैं। मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर कोई आपको अंतर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये आपकी हुई डेफिनेशन पूरा का पूरा, और फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन टेम्परेचर का इफेक्ट सब कुछ इसके अंदर आ गया। उसके बाद अगर इस फॉर्मूले को इस रूप में आप तैयार न कर पाएँ तो आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में तैयार कर सकते हैं ऐसे, देखिए
एफ इज इक्वल टू मास और वेट ऑफ सॉल्यूट को आप मान लीजिए डब्लू बी, ठीक है, ऐसे मान सकते हो डब्लू बी, और नीचे फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट को मान लीजिए एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को आप वी एल लिख दीजिए। ओनली मैं यहां वी इन इन लिख रहा हूं, वी इन मिलीलीटर। अगर मैंने वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिखा है तो ऊपर आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको इसमें मुझे सिखाना थी। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर में अगर निकालते हो तब आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं वॉल्यूम इन लीटर लिखता हूं तो ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पर मैं दोबारा बता रहा हूं, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एल वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। इस टाइप से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कंपटीशन का हो चाहे ट्वेल्थ क्लास का हो। डेफिनेशन दीजिए और इसे निकाल दीजिए। ये फोर्थ नंबर की डेफिनेशन थी फॉर्मेलिटी की, जिसके पहले मैं 3 डेफिनेशंस आपको सिखा चुका हूँ, कौन कौन सी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी एंड दिस फॉर्मेलिटी, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगले टर्न पर अगली डेफिनेशन सिखाऊंगा, क्रम से पूरा चलाने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आसानी से करिए, ऑथेंटिक नॉलेज है, कॉपी जरूर मेंटेन कीजिए, इससे आप मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उस कॉपी को पलट के मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, लेक्चर देखने के बाद मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था, आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब अपने कमेंट सेक्शन में, कुछ बच्चों ने तो कमेंट किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप बार बार मुझे कमेंट करिएगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, अगर आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे और सरल करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।